तो मेरा नाम सोनू, मैं अपने मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक राउटर की अनबॉक्सिंग करके दिखाऊँ। दोस्तों, जैसे कि ये राउटर मैंने खरीदा, परचेस करा है, टेंडा का राउटर, ये वायरलेस एंड 300 EG सेटअप राउटर। ये दोस्तों इसका मॉडल नंबर है N301। तो और दोस्तों ये मेरे को पड़ा है 700 रुपये का राउटर। जैसे कि आप बाहर से परचेस करेंगे तो 7-750 का पड़ेगा, और ऑनलाइन परचेस करोगे तो फिर दोस्तों 6-650 रुपये का राउटर पड़ेगा। दोस्तों ये वैन राउटर है, ये लोकल ब्रॉडबैंड में किसी में भी चल जाएगा। हैथवे और एयरटेल में राउटर नहीं चलता है दोस्तों, ये वैन राउटर है। और दोस्तों ये पर सेकेंड में 300 MBPS की स्पीड पा सकता है, और इसमें दोस्तों 3 साल की वारंटी है। दोस्तों दिखा देता हूँ आपको, वैसे आप दोस्तों मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ, उसके अंदर खोल के दिखाता हूँ दोस्तों इसके अंदर क्या क्या निकलता है। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। दोस्तों ये जैसे कि पन्नी पैक है, खोल के ये राउटर है, इसमें एक अडैप्टर है दोस्तों, और इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है। इसके कुछ कागज हैं टेंडा का, और इसका इजी सेटअप करने का थोड़ा कुछ ये है इसके अंदर, ये देखो दोस्तों। और दोस्तों मैं पूरा राउटर आपको खोल के ये दोस्तों आप देख रहे हो, एक अडेप्टर है, अडेप्टर छोटा सा, एक राउटर 2 एंटीना वाला, और एक पैच केबल जो आप वायरलेस में यूज़ कर सकते हो, जिसे बोलते हैं थरनेट केबल, ये देखो दोस्तों। और इसका इसे मैं खोल के देखता हूँ और क्या क्या है इसके अंदर। एक अडेप्टर का इसमें एक वैन पोर्ट है दोस्तों, जैसे कि एक वैन पोर्ट है जिसमें आप इंटरनेट की तार लगाओगे, और 3 LAN पोर्ट है, और एक रिस्टार्ट का बटन। दोस्तों छोटा सा ही राउटर है, अच्छा है मिनी राउटर। अब दोस्तों इसके अगली वीडियो में बनाऊंगा तो अब इसका स्पीड टेस्ट करके दिखाऊंगा, इजी सेटअप करके। तो वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।